नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक अर्न यूट्यूब चैनल के अंदर और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा पेटीएम का लॉयल्टी पॉइंट मतलब लॉयल्टी कैशबैक क्या है एंड कैसे उसको यूज़ करना है और न्यू 2018 का पेटीएम का रूल क्या होने वाला है, जिसको सुन के आप चौंक जाएंगे, बिल्कुल चौंक जाएंगे। मैं आप लोगों के सामने ये बताऊँगा, तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, ताकि आप सभी को सब कुछ जानने को मिले। एंड अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि पेटीएम का नया अपडेट क्या आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकॉन दिख रहा है उसको भी दबा देना, ताकि हमारे तरफ से जब भी कोई न्यू लूट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाओ। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले पेटीएम की तरफ से एक अपडेट आया था, जिस अपडेट के जरिए पेटीएम बहुत सारी चीज़ों को मतलब ऐड किया है, पेटीएम पेमेंट बैंक को ऐड किया है, पेटीएम पेमेंट बैंक का जो सिस्टम है उसके साथ UPI को ऐड किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैं अभी बात करता हूँ फ्रीचार्ज के बारे में, तो फ्रीचार्ज भी अभी ऐसा कर दिया है कि अगर आप रिचार्ज करते हैं फ्रीचार्ज से कुछ भी, मतलब आपकी जो बैलेंस है उससे रिचार्ज करते हैं, तो फ्रीचार्ज क्या करता है कि वो जो रिचार्ज का जो हम लोग बैलेंस मिलता है, जैसे कि कैशबैक बैलेंस हम लोग को मिलता है, उसके साथ हम लोग रिचार्ज के लिए यूज़ कर पाएंगे। वैसे भी मूवीक्विक ने भी एक सिस्टम निकाला है सुपर कैश का, जहाँ पर अगर आप अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी की भी चीज़ को रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करने के बाद आपको जो है 100% सुपर कैश मिल जाता है, लेकिन वो जो सुपर कैश आपको मिल जाता है उसके कुछ ही परसेंटेज मतलब 10% या फिर 20% को आप यूज़ कर पाएंगे आपकी नेक्स्ट रिचार्ज के टाइम पे। और जियो ने भी जैसे निकाला है 400 रुपये का जो कैशबैक दिया था जियो ने, उस जियो की जो 400 रुपये की कैशबैक था, 400 रुपये की कैशबैक में आप हर बार 50-50 रुपये की यूज़ कर पाएंगे। वैसे ही पेटीएम ने ये जो है लॉन्च किया है लॉयल्टी पॉइंट्स को, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बताऊंगा जो कि पेटीएम की तरफ से ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन मिला है मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप पासबुक को ओपन कर देते हो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको समरी, वॉलेट, लॉयल्टी पॉइंट्स और सेविंग अकाउंट मिल जाता है। तो समरी में आपको सब कुछ जो है शो करता है एक ही टैब में, और उसके बाद वॉलेट में जाएंगे तो आपको अपना ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ शो करेगा, लेकिन अगर आप लॉयल्टी पॉइंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही देखेगा 197 कम्युनिकेशन लॉयल्टी पॉइंट्स। तो दोस्तों जैसे कि लॉयल्टी पॉइंट्स का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। लॉयल्टी पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन से कुछ भी शॉपिंग करते हो, जैसे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से कुछ शॉपिंग करते हो, तो उसमें से जो है आपको कुछ पॉइंट्स मिलता है, जिस पॉइंट को आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या तो फिर उसको रिचार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ, मेरा जो PNB का अकाउंट है, PNB के अकाउंट में अगर आप मेरे कार्ड से कुछ भी ट्रांजेक्शन में करता हूँ तो उसके लिए मुझे जो है कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलता है, जिसको मैं मोबीक्विक में या फिर पेटीएम में ऐड कर लेता हूँ एंड उस मनी को मैं रिचार्ज वगैरह करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो सेम टू सेम तरीके से पेटीएम ने भी ये लॉन्च किया है। इसके तहत आपको क्या होगा, जब भी आप कोई रिचार्ज करता है, जैसे कि मान के चलो आप GATE5 जो प्रोमो कोड आया था, GATE5 को डाल के रिचार्ज करते हैं 20 रुपये का या फिर 10 रुपये का, आपको जो 5 रुपये की कैशबैक मिलेगा वो कैशबैक आपको लॉयल्टी पॉइंट्स में मिलेगा। वो जो कैशबैक है टोटल आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट का कीमत होता है 1 रुपये, तो ऐसे आपको मिल जाएगा 5 रिवॉर्ड पॉइंट मतलब 5 रुपये आपके आपके वॉलेट में मिल जाएगा। जैसे ही वो आपके वॉलेट में मिल जाएगा उसको तो ना आप अपने फ्रेंड्स को सेंड कर पाएंगे, ना आप रिचार्ज कर पाएंगे, मतलब उसको आप फ्रेंड को सेंड नहीं कर पाएंगे, ना तो उसको बैंक में रिडीम कर पाएंगे, उसको सब अपने नेक्स्ट टाइम जब आप पेटीएम से कुछ शॉपिंग करते हैं, जैसे कि शॉपिंग करने के टाइम पे हम लोग प्रोमो कोड डालते हैं उसी टाइम पे हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि मोबीक्विक में सुपर कैश में होता है। तो ये सबसे बढ़िया धमाकेदार अपडेट है और मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत सारे लोग खुश होंगे, क्योंकि ये स्टेप पेटीएम को नहीं लेना चाहिए था। हालांकि लॉयल्टी पॉइंट्स हम सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये लागू होगा 2018 की जनवरी से, तो 1 जनवरी से आपको जो ये लागू हो जाएगा आपकी अकाउंट के साथ। तो अभी टाइम बहुत है आप लोगों के पास, आप इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जितना लगता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए था पेटीएम को, क्योंकि ऐसे करने से पेटीएम का बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा सोचेंगे कि मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, पहले पेटीएम का जो कैशबैक हम लोगों को मिलता था वो कैशबैक हम लोग रिचार्ज करने के लिए यूज़ करते थे, अगर हम लोगों को मन करता था तो दूसरे अकाउंट पे हम लोग सेंड करते थे, जैसे कि 50-50 जो प्रोमो कोड आया था उस पर हम लोग क्या करते थे कि अलग अलग अकाउंट में 50-50 रुपये सेंड करके और जो 50 रुपये हम लोग को मिलता था उसको रिचार्ज करके 50 रुपये फिर से वापस ले लेते, लेकिन अभी ये नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जो 50 रुपये आपको मिलेगा वो लॉयल्टी पॉइंट्स के अंदर मिल जाएगा।
तो मेरे हिसाब से पेटीएम ने बहुत ही बढ़िया स्टेप ले लिया है। तो इसके बारे में और भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा एंड यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बोला है। तो मैंने जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था। बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे थे कि हाँ पेटीएम का लॉयल्टी पॉइंट्स क्या होता है एंड उसमें आपको क्या मिलता है। तो सरल भाषा में मैं अगर समझाने जाऊंगा तो ये होगा कि अगर आप शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ रिचार्ज वगैरह करते हैं तो जो कैशबैक आपको मिलेगा वो आपको डायरेक्ट आपके वॉलेट में नहीं मिलेगा, आपको लॉयल्टी पॉइंट्स में मिलेगा, जिसको आप नेक्स्ट टाइम सेम चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रिचार्ज करने के टाइम पर अगर आपको 20 रुपये की कैशबैक मिलता है तो आपको 20 रुपये की जो छूट है वो मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम रिचार्ज करने के टाइम पे आपको मिल जाएगा। इसका कुछ ही परसेंटेज शायद आप यूज़ कर पाएंगे, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो जो भी होगा ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये जो डिटेल्स मैंने आप लोगों को दिया है ये मुझे ऑफिशियली मिला है कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद, तो जो भी मुझे मिला है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड करिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।